फटाक 30 सेकंड की खबर, डाउनलोड करो तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन च। वोटां दी सौड़ी राजनीति करके गुरु साहब दी बेअदबी होई, फिर प्रयास होए जिहड़े लोकां ने आप पहरे दल बन के रोके, क्योंकि भरोसे योग्यता खत्म हो जाती है लोगों की। हुणे बंब धमाके यह साफ दर्शाता है कि एक खास कम्यूनिटी की पोलराइजेशन के वास्ते, उन्होंने अड करन दे वास्ते, उन्होंने डरा के भय तंत्र दे नाल लोकतंत्र नूं डंडा तंत्र बना के एक ऐसे पासे मुड़िया जा रहा है जिहड़ा पंजाब दे लई बहुत खतरनाक है। इहदे च पंजाब इनवॉल्व नहीं, इहदे च शक दे घेरे च एजेंसियां आउंदियां जिन्हां नूं कठपुतली बना लिया, वड्डियां वड्डियां संस्थावां नूं कठपुतली बना लिया, लोकतंत्र दा डंडा तंत्र बनाता, गुंडा तंत्र बनाता, और पंजाब दी पंजाबीयत दे सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक नूं पाड़न दी कोशिश कीती जा रही है। मैं इन्ना कहना चाहना है कि पंजाब सरकार नाम दी चीज नहीं है। पंजाब पुलिस नूं पिछले दो महीने तीन महीनिया दे इको एक काम दिता है, डीजीपी तो लैके सारे अठ अठ घंटे आई काम करते हैं कि किवें बिक्रम मजीठिया या बादल परिवार के खिलाफ केस बनाओ, होर कोई काम नहीं रहे। अज की हो रहा है, डकोइटियां हो रही जांदी है, रेप हो जांदे है, ते अज थोड़ी देखो कचहरियां च बम ब्लास्ट होया है। ए तो माड़ी गल की है कि इत्थे कानून की व्यवस्था नहीं, पुलिस जिहड़ा काम पुलिस दा उस काम तो हटा के सियासी वंडेटा तरफ लगे है। तो मैं डीजीपी नूं कहना चाहना है कि डीजीपी दा काम आ नहीं है कि जो सियासी वंडेटा करे, उन्होंने काम है लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करना, जिहड़ा काम आ नहीं कर रहे। मैं स्ट्रांगली कंडेम करदा ते कहना चाहना है कि सरकार बिल्कुल फेल है, जिन्ने देर रहूगी देखो मैं समझदा कि यह बहुत मंदभाग है कि जदों जदों भी पंजाब दे विच चोणा हुंदियां ने उदों ही बेअदबियां दियां और बम ब्लास्टां दियां जिहड़ियां माड़ियां घटनावां ने उह शुरू हो जांदियां ने। अज लुधियाणे कोर्ट कॉम्पलैक्स दे विच वड्डा धमाका होया जिस दे विच पता लगे कि तीन लोगों की मौत हो गई है। इस तो पहला चार दिन पहला दरबार साहब दे विच ते फिर गुरुद्वारा साहब दे विच कपूरथले बेअदबी दी घटनावां होईयां ने। इही माहौल सी जिहड़ा अज तो पांच साल पहला 2015 दे विच पहला श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी, उस तो बाद श्री कुरान शरीफ की भगवत गीता की कई बेअदबियां ने जिहड़ियां उस समय भी होईयां, ते फिर मौड़ बॉम्ब ब्लास्ट होया जिस दे विच सत्त लोगों की जान है जिहड़ी ओह चली गई। ते अनफॉर्चुनेटली हजे तक ना किसी बेअदबी की घटना का ना ही मौड़ बॉम्ब ब्लास्ट का कोई थौ टिकाणा जिहड़ा ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਮ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਹਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।